अपनी वीरभूमि के लिए शहादत हुए जवानों के शहीद स्मारक आज के समय में बहुत ही दयनीय हालत में है। वहीं बात की जाए हमीरपुर में बने शहीद मृदुल स्मारक की, तो ना ही कोई इनकी देखरेख करता है और ना ही कोई इन शहीद स्मारकों की साफ सफाई करता है। इसी समस्या को लेकर NSUI इकाई ने जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा ताकि शहीद स्मारकों की साफ सफाई अच्छे से की जाए। वहीं इस बारे में NSUI के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में बने शहीद मृदुल स्मारक की हालत बहुत ही दयनीय है और शहीद स्मारक के पास लगे बोर्ड की हालत भी इतनी खस्ता है कि उस पर जो भी लिखा वे पढ़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज इसी समस्या को लेकर हमीरपुर जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि NSUI इकाई के द्वारा शहीद मृदुल स्मारक की साफ सफाई भी की जाएगी। जो NSUI का जो माननीय जिलाधीश महोदय जी है उनके माध्यम से जो उनको हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो यहाँ पर कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मृति में जो एक यहाँ पर स्मृति स्थल बनाया गया है उसकी दयनीय हालत के विषय में है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक पहले तो ये जो हमारा स्मृति स्थल है इसको साल में एक आधी बार वो लोग साफ सफाई करते हैं और वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था तो इतनी बेकार है। उसके अतिरिक्त जो वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा गया था, हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये बात जो थी वो उठाई थी कि वहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है वो बहुत ही मतलब टूट चुका है और अब तो पूरा ही उखड़ चुका है, मतलब वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया है। देखिए हमीरपुर जिला को जो है वो वीरभूमि के नाम से पूरे विश्व देश भर में जाना जाता है और इसका कारण है कि यहाँ के जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत देश के लिए दी है और उसी वीर भूमि में इस तरह के हालात, इस तरह की दयनीय हालत जो है वो इन शहीदों के स्मारकों के साथ जो है वो ऐसी दयनीय हालत है। और ऊपर से जो माननीय सांसद महोदय हैं जो कि खुद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं, तो और वो हमेशा चुनावों के समय में जो है वो सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो उनके यहाँ पर इस तरह के हालात देखने के लिए तो महज क्या ये जो शहीद है सैनिक है ये क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित है। इसलिए हम लोग आज जिलाधीश महोदय जो मैडम है उनके माध्यम से उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसके बाद हम लोग वहाँ समर्थन स्थल पर जाकर भी साफ सफाई करेंगे।